हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इनर्शिया, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी बाय वर्चू ऑफ व्हिच इट कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। बेसिकली होता क्या है, कोई भी मटेरियल है, कोई भी बॉडी है, उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया, जिसके कारण यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो अपने आप बाय इटसेल्फ वो रेस्ट से मोशन में नहीं आती है, और यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन से रेस्ट में नहीं आती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, राइट। ये सबसे पहले हमें बताया था गैलीलियो ने अपने रिसर्च में ये बताया कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो रेस्ट में रहेगी, और यदि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी। उन्होंने एक चीज और बताई, इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज, इट मीन्स ये चेंज होने का अपोज करती है। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट से मोशन माने का अपोज करती है, और यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन से रेस्ट माने का अपोज करती है। आखिर इसका रिलेशन कैसे करें, पहले हमको समझना होगा कि कितने टाइप के इनर्शिया होते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आखिर हम इनर्शिया को सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। व्हाट इज दिस? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कहने का मीनिंग ये है कि बॉडी की वो टेंडेंसी जिसके कारण बॉडी रेस्ट की पोजीशन में रहना चाहती है। तो आइए अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आपने देखा होगा, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड। आपने देखा है कि जैसे ही बस सडनली स्टार्ट होती है तो जो पर्सन है वो पीछे की तरफ गिर जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि स्टार्टिंग में बस एंड पर्सन आर इन रेस्ट कंडीशन, दोनों रेस्ट कंडीशन में है, राइट। जैसे ही बस मूव करती है तो जो हमारे फीट हैं बस के साथ जो कनेक्टेड हैं वो भी मोशन में जाते हैं, लेकिन जो ऊपर का पार्ट है वो अब भी रेस्ट कंडीशन में रहना चाहता है, वो अपोज करता है रेस्ट से मोशन में आने का, और जब वो रेस्ट से मोशन में आने का अपोज करता है उसी कारण से वो पीछे की तरफ गिर जाता है। आई बात समझ में? आपने ये भी देखा होगा, डस्ट रिमूव्ड फ्रॉम द कारपेट व्हेन वी बिटन विद अ स्टिक। आपने देखा है कि डस्ट कारपेट से बाहर आ जाती है जब हम उसको बीट करते हैं, क्यों? क्योंकि डस्ट पार्टिकल रेस्ट में रहना चाहते हैं और कारपेट आ गया मोशन में, इसी कारण से डस्ट बाहर निकल जाती है। आपने ये भी देखा है कि जब हम ट्री को हिलाते हैं, जब हम ट्री को धक्का देते हैं तो उसमें जो ब्रांचेज होती हैं ट्री की वो हिलती हैं, और जिसके कारण से फ्रूट नीचे गिर जाते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि पेड़ तो मोशन में आ गया, ट्री तो मोशन में आ गया, लेकिन जो फ्रूट्स हैं वो भी रेस्ट कंडीशन में है। आई बात समझ में? आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि सपोज हम एक गिलास कंसिडर करते हैं, सपोज दिस इज अ गिलास, ठीक है, एंड दिस इज अ कार्डबोर्ड, ठीक है, हमने एक सिंपल सा कार्डबोर्ड लिया है और यहाँ पे हमने रख दिया 5 रुपए का कॉइन, ठीक है, हमने 5 रुपए का कॉइन रख दिया और ये रेस्ट कंडीशन में है, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, इस कार्डबोर्ड पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, और आप ये देखेंगे कि जब हम इस कार्डबोर्ड पर फोर्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये कॉइन रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहना चाहता है, कॉइन रेस्ट में ही रहना चाहता है, तो होगा क्या कि जैसे ही हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे ये तो यहां से हट जाएगा, लेकिन जो कॉइन है वो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो इस ग्लास टम्बलर में नीचे की साइड गिर जाएगा, तो कॉइन आपका इस साइड आ जाएगा, राइट। आप देखते हैं कि जो बहुत सारी बुक एक साथ रखी रहती हैं, अगर आप नीचे वाली बुक को हटाएंगे तो सारी बुक ऊपर से नीचे तक एक साथ नीचे आ जाएंगे, क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आप कैरम बोर्ड खेलते हो, आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड में भी आप देखते हैं कि जब हम स्ट्राइकर से कॉइन को हिट करते हैं तो जो कॉइन है, जो सबसे नीचे वाली कॉइन है वो तो मूव कर जाती है, लेकिन जो ऊपर वाली कॉइन है वो नीचे की साइड आ जाती है। व्हाई? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ये समझाना चाहूंगा कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता क्या है, और उससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो आप देखिए, सपोज दिस इज ए रिजिड सपोर्ट, यहाँ पर हमने मास कनेक्ट कर दिया है,
सपोज दिस मास ऑफ 10 किलोग्राम राइट, थ्रेड ए ठीक है, दिस इज थ्रेड ए और ये अनदर थ्रेड थ्रेड बी राइट। अब हम करते क्या है, सबसे पहले थ्रेड पर स्टेडी फोर्स अप्लाई करते हैं। स्टेडी फोर्स मींस हम कंटिन्यूअसली इस पर पुल करते हैं ठीक है। जब आप कंटिन्यूअसली इसको पुल करोगे तो आप देखोगे कि जो थ्रेड ए है, थ्रेड ए वो ब्रेक हो जाती है, क्या हो जाती है बेटा, ब्रेक हो जाती है राइट। लेकिन यदि आप थ्रेड बी को सडनली पुल करते हो, सडनली पुल थ्रेड बी ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो थ्रेड बी है वो ब्रेक हो जाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मीनिंग ये है कि जब आपने कंटिन्यूअसली पुल किया, जब आपने कंटिन्यूअसली पुल किया, स्टेडी पुल किया, स्टेडी फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स को टाइम मिल गया थ्रेड ए तक जाने के लिए, जिससे थ्रेड ए ब्रेक हो गई। लेकिन यदि आपने सडनली पुल किया है तो उस टाइम पर फोर्स को इतना टाइम नहीं मिला कि वो ए तक जा सके, इसलिए थ्रेड भी ब्रेक हो जाती है। और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये बॉडी रेस्ट में रहती है। आई वाज सेइंग ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट दिस बॉडी विल बी एट रेस्ट। सेकंड आता है इनर्शिया ऑफ मोशन, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। बॉडी की वो टेंडेंसी जो चाहती है कि बॉडी मोशन में रहे, मोशन से रेस्ट में ना आए, वो मोशन से रेस्ट में आने का अपोज करती है। तो आइए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। अ पर्सन सिटिंग इन अ बस फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन अ मूविंग बस सडनली स्टॉप्स। तो आप देखते हैं कि जब चलती हुई बस होती है और वो अचानक से रुक जाती है तो जो पैसेंजर्स होते हैं वो आगे की तरफ गिर जाते हैं। आखिर इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जब हम मोशन में होते हैं तो हमारी पूरी बॉडी मोशन में है राइट। जैसे ही बस स्टॉप होती है तो जो हमारे फीट हैं वो भी स्टॉप हो जाते हैं। बस स्टॉप, जैसे ही बस स्टॉप होती है तो हमारे जो फीट हैं वो भी रेस्ट में आ जाते हैं। लेकिन जो अपर पार्ट है बॉडी का, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, अपर पार्ट वो अभी मोशन में रहता है। किस में रहता है बेटा, मोशन में रहता है। इस वजह से क्या होता है कि बॉडी आगे की तरफ गिर जाती है, इसलिए पैसेंजर आगे की तरफ गिर जाता है राइट। आपने एक चीज और देखी होगी कि हमें मना किया जाता है कि चलती हुई ट्रेन से मत उतरें या चलती हुई बस से मत उतरें। ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यदि आप चलती हुई बस से उतरते हैं क्योंकि आप इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण आगे की तरफ ट्रेवल करते हैं, आगे की तरफ आप ट्रेवल करते हैं, तो जैसे ही आप नीचे उतरते हैं आपके जो फीट हैं वो सब मोशन में है, और जैसे ही आप उतरते हैं आप आगे की तरफ गिर जाते हैं और इससे आपको इंजरी हो सकती है, इससे आपको चोट लग सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए मना किया जाता है कि चलती हुई बस से कभी भी नहीं उतरना चाहिए राइट। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, आपको कहा जाता है कि पीछे की तरफ फेस करके मत उतरिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यदि आप पीछे की तरफ फेस करते हैं क्योंकि इनर्शिया मोशन आगे की साइड है, तो जैसे ही आप उतरेंगे इनर्शिया मोशन के कारण आपका जो सर है वो नीचे लग सकता है, इसलिए कहा जाता है। चलिए आपको मैं और एग्जांपल बताता हूं कि जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट क्या करते हैं बेटा, पहले वो भाग कर आते हैं, रन करके आते हैं, तब वो जंप लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो भाग कर आते हैं तो उनके पास इनर्शिया ऑफ मोशन होता है और इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वो जंप कर पाते हैं राइट। एक एग्जांपल और देखिए, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इनर्शिया ऑफ मोशन होता क्या है। कि सपोज एक मूविंग ट्रेन है, मूविंग ट्रेन और उसमें एक पैसेंजर बैठा हुआ है, उसने क्या किया, उसने बॉल को अपवर्ड थ्रो किया राइट। तो वो देखता है कि जब मैं बॉल को अपवर्ड थ्रो करता हूं तो मेरे हैंड में वापस लौट कर आती है। इसका रीजन क्या हुआ, इसका रीजन ये है कि जब ट्रेन मूव करती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो उसके साथ साथ बॉल भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक्वायर करती है। उसके पास भी उतनी वेलोसिटी है जितनी ट्रेन की है, और जितनी डिस्टेंस ट्रेन कवर करती है उतनी ही डिस्टेंस बॉल भी कवर करती है। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन बॉल रिटर्न्स टू द थ्रोअर बॉल, यानी कि अगर आप बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वो आप ही के हैंड में वापस लौट के आएगी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। व्हाई, क्योंकि बॉल के पास भी उतनी वेलोसिटी है जितनी ट्रेन के पास है, बॉल भी उतनी डिस्टेंस कवर करती है जितनी ट्रेन कवर करती है। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कहने का मीनिंग ये है कि कोई भी बॉडी यदि पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है तो वो अपने आप
बाय इटसेल्फ डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। तो आइए अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प टर्न, अ पर्सन सिटिंग इन द बस एक्सपीरियंस अ फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व्ड पाथ। आपने देखा है कि यदि बस राइट में टर्न करती है, राइट में शार्प टर्न लेती है, तो हम लेफ्ट में मूव करते हैं, और यदि बस लेफ्ट में टर्न लेती है तो हम राइट में मूव करते हैं। आखिर इसका रीजन क्या है? क्योंकि जब बस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी तब हम भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे। जैसे ही बस ने शार्प टर्न लिया तो हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि हम उसी डायरेक्शन में रहना चाहते हैं जिस डायरेक्शन हम चल रहे थे। हम स्ट्रेट चल रहे थे तो हम स्ट्रेट में ही रहना चाहते हैं, हमारी डायरेक्शन स्ट्रेट ही है। लेकिन जैसे ही बस ने शार्प टर्न लिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि डायरेक्शन चेंज हो, उस वजह से हम अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी शार्प टर्न आता है तो आप किसी चीज को पकड़े रखें जिससे कि आपको हर्ट ना हो, एक्सीडेंटल कोई भी चीज ना हो, राइट। आप एक चीज और देखते हैं कि जो स्टोन होता है, स्टोन, ठीक है, यदि आप उसको थ्रेड से कनेक्ट करें और उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराएं, ठीक है, तो होता क्या है कि जब तक यहाँ पर फोर्स अप्लाई होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, तब तक स्टोन मूव करता रहता है, ठीक है। जैसे ही थ्रेड रिलीज होती है, सपोज थ्रेड ब्रेक हो गई, तो ये स्टोन टेंजेंशियली मूव कर जाएगा। व्हाई? ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब तक इस पर फोर्स अप्लाई होगा तब तक ही ये कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा सर्कुलर पाथ में। जैसे ही थ्रेड रिलीज हो जाएगी वहां पे फोर्स खत्म हो जाएगा, इट मींस वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण टेंजेंशियली फ्लो कर जाएगा, ठीक है, टेंजेंशियली मूव कर जाएगा। आप देखते हैं कि अर्थ मूव करती है अराउंड द सन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि वो फोर्स अवेलेबल ना हो तो अर्थ टेंजेंशियली सीधा निकल जाएगी। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, व्हाई? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स अवेलेबल ना हो तो मून भी टेंजेंशियली सीधा निकल जाएगा। आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि जब हम नाइफ को शार्प करने के लिए ग्राइंडिंग स्टोन को लाते हैं तो जो ग्राइंडिंग स्टोन से स्पार्क निकलती है, जो चिंगारी निकलती है, वो भी टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ हो जाती है, टेंजेंशियली फ्लाई होती है। आप बात समझ रहे हो? और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो व्हीकल्स होते हैं पीछे मडगार्ड लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं बेटा? मडगार्ड। व्हाई? क्योंकि जब व्हीकल मूव करता है तो मड उसके साथ स्टिक हो जाता है, और स्टिक होने के बाद वो टेंजेंशियली फ्लाई करता है, और टेंजेंशियली फ्लाई करने से जो हमारा पीछे का पार्ट है वो सारा गंदा हो सकता है, ठीक है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम व्हीकल्स में मडगार्ड यूज करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि किसी बॉडी का इनर्शिया ज्यादा कब होता है, किसी बॉडी का इनर्शिया कम कब होता है, आखिर उसका पता क्या चलता है। तो बेटा उसका पता चलता है मास से। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अगर हमें इनर्शिया को मेजर करना है तो हमें उसके लिए मास को देखना पड़ता है, राइट। अब होता क्या है कि यदि किसी का मास मोर है, ज्यादा है, इट मीन्स उसका इनर्शिया भी मोर है। इनर्शिया मोर होने का मीन्स है कि उस बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए हमें लार्ज फोर्स एक्ट करना पड़ता है, लार्ज फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। आप ये देखते भी हैं कि यदि हम बात करें रबर बॉल की और स्टोन की, तो रबर बॉल का मास कम है, इट मीन्स इसका इनर्शिया भी कम है, राइट। सो यहां पर हमें इसको मूव कराने के लिए या फिर इसको स्टॉप करने के लिए हमें लेस फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन यदि बात करें स्टोन की, तो इसका मास लार्ज है, इनर्शिया भी लार्ज होगा, इट मीन्स इसको मूव कराने के लिए और इसको स्टॉप कराने के लिए हमें लार्ज फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। या आप देखते भी हैं कि यदि हम स्मॉल टॉय कार लें तो हम उसको मूव करा सकते हैं, उसको फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ट्रेन को देखें, क्या आप ट्रेन को रोक सकते हो? उसके लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यदि कार मूव करती है तो उसको स्टार्ट करने के लिए भी आपको ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है, और उसको स्टॉप करने के लिए भी लार्ज फोर्स की रिक्वायरमेंट है। लेकिन यदि साइकिल की बात करें तो उसको आप आसानी से रोक सकते हैं, उसको आसानी से चला सकते हैं, क्योंकि उसका मास कम है, उसका इनर्शिया कम है। और इनर्शिया और डायरेक्शन में भी मास का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और डेली लाइफ में भी इंपॉर्टेंट रोल है, और इसका यूज एनिमल्स भी करते हैं। कैसे करते हैं? आप देखिए, जब डॉग कैच करता है हेयर को, ठीक है, इट मीन्स खरगोश को, जब डॉग खरगोश को कैच करने की कोशिश करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो खरगोश क्या करता है बेटा? जिगजैग पाथ फॉलो करता है, जिगजैग पाथ,
इस टाइप का पाथ फॉलो करता है। बाय स्ट्रेट लाइन में क्यों मूव नहीं करता? वो इसलिए मूव नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि डॉग हैज मोर मास, डॉग का मास ज्यादा है, उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, राइट? इसलिए उसको अपने डायरेक्शन चेंज करने के लिए मोर फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। आई बात समझ में? हेयर को पता है कि डॉग का मास ज्यादा है, उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, इसलिए उसको अपने डायरेक्शन चेंज करने के लिए लार्ज फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए वो जिगजैग पाथ फॉलो करता है, राइट? तो आपको ये समझना है कि यदि किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा, यदि किसी बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है तो वहां पर लार्ज फोर्स एक्ट करना पड़ेगा, चाहे हम बॉडी रेस्ट से मोशन में लाए, चाहे बॉडी मोशन से रेस्ट में लाए, और चाहे बॉडी के डायरेक्शन को चेंज करें, हर कंडीशन में इनर्शिया को मेजर कौन करता है? मास करता है। यदि किसी बॉडी का मास कम है तो आप उसके डायरेक्शन आसानी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी बॉडी का मास ग्रेटर है तो उसके डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको लार्ज फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया एंड हाउ वी मेजर इनर्शिया ऑफ अ बॉडी।